युवा पंचायत फैसले कई किए हमने, लेकिन एक सबसे बड़ा फैसला कि हमारे हाथों में अगर काम करना हमको आए तो उसके कारण भी रोजगार मिल जाए। और इसलिए कल एक योजना बनाई, मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना। अब ये योजना क्या है, मान लीजिए आपने 12वीं पास कर ली या बीएससी भी काम कर लिया, अब आपको जॉब चाहिए, अब आपको काम चाहिए। काम तब मिलेगा जब आपको काम आएगा। मध्य प्रदेश में इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हमने किया, उसमें 15,42,550 करोड़ रुपए के निवेश आने वाले हैं, जिसमें 29 लाख बच्चों को रोजगार मिलेगा। 29 लाख बच्चों को, लेकिन मिलेगा किनको, जिनको काम करना आए। और इसलिए हमने एक योजना बनाई कि हम अलग अलग कंपनियों में बच्चों को काम सीखने भेजेंगे, केवल कंपनी नहीं, सर्विस सेक्टर में भी भेजेंगे, अलग अलग प्रकार के जितने प्राइवेट सेक्टर होते हैं सब में काम सीखने के लिए भेजेंगे बच्चों को। अगर ला किया है तो ला फर्म में भी काम सीखने जा सकता है। अलग अलग कई चीजें हमने तय की है, तो वो काम सीखने जाएगा, और काम सीखने के बदले, क्योंकि खर्चा तो सीखने के दौरान भी चाहिए ना, तो उन बच्चों को मामा 8,000 रुपया महीने देगा। 8,000 रुपया महीने। हमारे बच्चों को बेरोजगारी भत्ते की नहीं, काम की जरूरत है। मैं बच्चों को काम सिखाऊंगा, लर्न एंड अर्न, करो सीखो और कमाओ, इसलिए ये राशि बच्चों के खाते में जाएगी। और बच्चे जब काम सीख जाएंगे तो अपने आप परमानेंट रोजगार उनको मिल जाएगा और उनकी जिंदगी की गाड़ी चल जाएगी। देखो मेरे बहनों और भाइयों, चिड़िया बच्चों को घोंसले में नहीं रखती, घोंसला नहीं देती, पंख देती है पंख। घोंसले में पड़े रहेंगे लेकिन पंख होंगे तो ऊंची उड़ान भरेंगे। मैं अपने बच्चों को ऊंची उड़ान भरते हुए देखना चाहता हूँ।